बनती है, एक चिंगारी देखकर अंगार बनती है, रौंदी गई जो सदा बेबस समझकर, रौंदी गई जो सदा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। आज का जो कार्यक्रम है ये इसी विषय पे है, उसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। महापौराणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुजन भारत के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। यहां इस सभा में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव उपासक उपासिकाएं, महिला शक्ति, युवा साथी, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर जो भी यहाँ बैठे हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर धर्म के लिए दिया। वैसे तो आज का कार्यक्रम क्यों है इसके बारे में हमारे पूज्य भंते जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला था। जब हम इतिहास की तरफ नजर मारते हैं, इतिहास पे दृष्टि डालते हैं, इतिहास से स्मृतियों को उठाकर जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई ना कोई विशेष कारण होता है। बाबा साहब लिखते हैं कि जो पूर्व इतिहास है भारत का, उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है, चीजों को धीरे से निकाल के लाना, गहराई से निकाल के लाना, वो बहुत मुश्किल काम है, और बाबा साहब ने ये मुश्किल काम किया। उन्होंने उन सब चीजों को निकाल करके उजागर किया, हमारे सामने रखा, हमारे से पहली पीढ़ी उसके सामने रखा। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। अब आप देखें कि बाबा साहब को गए हुए जितना समय हो गया है, हम में से हर एक को ये चिंतन करना होगा, ये मंथन करना होगा कि जो बाबा साहब ने संदेश दिया है, क्या हमने अपने व्यक्तिगत तौर पे उसमें कुछ किया है। जब ये सवाल खुद से पूछा जाएगा, बजाय इसके कि कोई हमारी आलोचना करे, बजाय इसके कि हम किसी की आलोचना करें, ये सवाल हम सबको स्वयं से पूछना होगा। आप देखिएगा कि 67 साल बाबा साहब तो गए हुए हमारे बीच से हो गए, और कहीं ना कहीं आज भी हम तकरीबन वहीं खड़े हैं लगभग जहां से चले। बहुत अधिक सफर हमने तय नहीं किया, हमारी स्थिति कमोवेसी अभी वही है। हमसे पहली पीढ़ी या हमसे ये जो पीढ़ी चल रही है, इसने जो कुछ नौकरियां पाई हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न थोड़ा बहुत किया होगा, बस वही लोग हैं, और वो सब रिटार्डेशन पे हैं, वो क्रमवार धीरे धीरे उनका जीवन अंतिम स्थिति की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो ये हाथ, ये सारी बात और हाथ में आ जाती है युवाओं के लिए, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हमारा, हम जो इससे पहली पीढ़ी के हैं, वो युवाओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, वो संस्कार उनमें हमने नहीं संस्कारित किए हैं जो करने चाहिए थे। कुछ तो गलतियां कहीं ना कहीं हुई होंगी, बजाय हमें कोई हमारी गलतियां बताए, हमें स्वयं उनको तलाशना होगा। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से लगाकर और बृहद्रथ मौर्य तक, तो उसके बीच में सम्राट अशोक आते हैं। सम्राट अशोक ने, जैसा भंते जी ने बताया था, कलिंग युद्ध के बाद उनका मन बदला। कलिंग युद्ध क्यों किया गया ये उन्होंने बताया, पर उसके पीछे एक कारण उनका रहा था,
क्योंकि शक्तिशाली राजा होने के कारण उनके पूर्वज भी कलिंग को अपने राज्य में नहीं मिला पाए थे, क्योंकि कलिंग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था। इसलिए उनके मन में एक बार बार आ रहा था कि कलिंग को अपने राज्य में मिलाऊं, और शायद इसी आकांक्षा के कारण उन्होंने उस पर आक्रमण किया। और फिर उसकी स्थिति आपके सामने आई कि उन्होंने उस नरसंहार को देख करके, जब वो चिंता में बैठे थे, तो उन्हीं के भाई के पुत्र ने जो भिक्षु बने हुए थे, जब वो सामने आए, उनके चेहरे पे उन्होंने नूर देखा, गरिमा देखी, तेज देखा, तो उन्होंने से पूछा कि अब कौन है। तब वो निर्भीक रूप से उन्होंने बताया कि मैं सुशीम का पुत्र हूं, सुशीम उनके भाई थे। जब ये बात उन्होंने सुनी कि उनके सुशीम की हत्या उन्होंने ही की थी, भाई के बेटे को सामने देखकर, भिक्षु रूप में देखकर, कि उन्हें बड़ा बहुत गहरा आघात सा पहुंचा और सांत्वना भी मिली। सांत्वना इसलिए मिली कि बच्चे के चेहरे पर इतना शांत भाव और मेरा चित्त अभी भी अशांत है। इतना शक्तिशाली राजा होने के बाद भी चित्त अशांत है, और इस बच्चे का जिसके पास अभी तक कोई धरोहर भी नहीं है, उसका चित्त शांत है। यही आम आदमी से बात अलग करती है धम्म में आने। धम्म का स्वरूप मानव के चित्त को चंचलता से हटाकर स्थिरता में ले जाता है, और जब मानव चंचलता से हटकर स्थिरता की तरफ जाता है, तो उसके शरीर की सारी क्रियाएं संयत हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, नियमित हो जाती है। और जब वो नियमित हो जाती है, तो धीरे 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 शरीर स्वस्थ होता है, बीमारियां दूर होती चली जाती हैं। यही धम्म का संदेश है, यही तथागत बुद्ध की शिक्षा है। सभ्य पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोत्पनं एतानि बुद्धानि शास्त्रं। यही शिक्षा है, चित्त को परिशुद्ध करना, बुरे कर्मों को ना करना, अच्छे कर्मों को करना। इतनी शिक्षा से अगर मानव का जीवन बदलता है, तो ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इसके बावजूद भी मानव उल्टा चलता है। वो चीजों को जानता तो है, पर मानता नहीं है, जबकि उसे चीजें पहले माननी चाहिए, कहीं ना कहीं समझनी चाहिए, और फिर अंगीकार करना चाहिए। ये तर्क का विषय भगवान बुद्ध ने पहले से ही कहा हुआ है, और कहीं ना कहीं मन में जो शंकाएं आए, उनका कहीं ना कहीं समाधान बहुत आवश्यक है। आपको अपने मन की शंकाओं को दूर करना चाहिए। जो शंकाएं आ रही हैं, धर्म के बारे में आ रही हैं, समाज के बारे में आ रही हैं, राष्ट्र के बारे में आई हैं, आप किसी ना किसी से उसे कहीं ना कहीं समाधान कीजिए। आजकल जो सूचनाएं परोसी जा रही हैं,